السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه محترم هازلين سامعين आज के हमारे दर्स का है मोहब्बत किससे कैसी और क्यों हमारे सामने रबी अव्वल का महीना है और ये वो महीना है जिसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से गुफ्तु की जाती हालांकि ये मौजू यानी महबत रसूल का मौजू ये रबी अला के महीने के साथ खास नहीं है बल्कि हमेशा इस पर बात होनी चाहिए लेकिन मैंने एक ूमी लफ्ज़ महबत का सहारा लिया है और इस पर इशल आज के इस दरस में गुफ्तु होगी हमारे समाज में माशरे में जब महबत का लफ्ज़ कोई बोलता है तो लोगों के जहन में एक अलग खाका बनता है आजकल की छिछोरी मोहब्बत कह लीजिए आप या नाजायज़ मोहब्बत आप कह लीजिए यही सबसे पहले जहन में आता है जबकि वो मोहब्बत है ही नहीं वो मोहब्बत है ही नहीं उसे मोहब्बत नहीं कहा जाता वो लफ्जी तौर से मोहब्बत हो सकता है माने के अतबार से मोहब्बत हो सकता है लेकिन इस्तेलाह में या शरीयत की नज़र में उसे महब्बत नहीं कहा जाता है सबसे पहले हम महब्बत का माना जानते मोहब्बत किसको कहते हैं मोहब्बत ये बुग्ज़ की अपोज़िट है ज़िद है बुग्ज़ का मतलब नफ़रत और अरबी ज़बान में मोहब्बत लफ्ज़ ये उस वक्त बोला जाता है जब इंसान का दिल किसी चीज़ पर अटक जाए वो उसी पर साबित हो जाए अपने आप को लाजिम कर ले तो उसे कहा जाता है अहब बहू कि उसने अपना दिल फला चीज़ में अटका लिया असतलाह में मोहब्बत किसे कहते हैं असार। इंसान का दिल ऐसी चीज़ की तरफ मायल हो जाए झुक जाए कि जिससे इंसान को खुशी मिलती है उसे क्या कहते हैं मोहब्बत कहते हैं एक दूसरी तारीफ ने की है नफ्सी इला मा तराहु व तु खैरा कि इंसान के नफ्स का दिल का मन का ऐसी चीज़ की तरफ झुक जाना इंसान क्या है जिसको देखता है जिसको पसंद करता है और फिर उसके बाद जा करके वो उसमें क्या है कोई ख़ैर ढूंढता है फिर उसका दिल उसी में लग जाता है इसको मोहब्बत कहते हैं मैंफसी इलामा तरा हूँ व तू खैरा ये मोहब्बत की तारीफ़ हुई अच्छा बहुत से लोग ये कहते हैं ख़ास तौर से जबा मोहब्बत का नाम लेते हैं या किसी आलिम के मुंह से लोग मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते हैं तो उन्हें अजीब महसूस होता ये है ये भी मोहब्बत की बात करते हैं ये भी मोहब्बत की बात करते हैं जबकि आप देखें कि ने मोहब्बत पर इतना कुछ लिखा है कि आप वो किताबें आप पढ़ें तो आपको ताजुब होगा इब्लियम रही ने अपनी कई किताबों में अलफवाद मदार जस्सा व दवा ऐसी ज्यादा कई एक किताबों में मोहब्बत के लफ्ज़ पर खसूसी बहस की है मोहब्बत के टॉपिक पर उन्होंने खसूसी बहस की है चुनान उन्होंने मोहब्बत की कई एक किस्मों का तस्करा किया मोहब्बत कई टाइप की होती है उसका तस्करा किया है एक मोहब्बत होती है जिसे महब्बत इबादत कहा जाता है इबादत की मोहब्बत और ये मोहब्बत है किसी के सामने झुक जाना और यही असल में मतलूब है यही असल में चाहिए महब्बत इबादत जो अल्लाह हरबल आलमीन के लिए खास हो यानी वो मोहब्बत जो खालिस अल्लाह हरबुल आलमीन के लिए हो इसीलिए मोहब्बत जो है वो हर एक चीज में शामिल होना चाहिए जैसा कि हम आगे तस्करा करेंगे ये तो बात हुई महब्बत इबादत एक है मोहब्बत लिल्लाह अल्लाह के लिए महब्बत अल्लाह के लिए मोहब्बत जैसे का महब्बत मा यू हिब्बूल अल्लाह किसी चीज से मोहब्बत करता है आप भी उससे मोहब्बत करो ये क्या है अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह को फला चीज़ से मोहब्बत है आप फला चीज़ से मोहब्बत करो अल्लाह को फ़ला टाइम से मोहब्बत है आप उस टाइम से मोहब्बत करो अल्लाह को फ़ला इंसान से मोहब्बत है आप उस इंसान से मोहब्बत करो अल्लाह को फ़ला अमल फ़ला कौल फला चीज़ मुख्तलिफ जो है चीज़ें हो सकती हैं अल्लाह को उन तमाम चीज़ों से और बातों से उस शे से मोहब्बत है तो हमें भी अल्लाह की खातिर उससे महब्बत करनी चाहिए क्यों इसलिए कि हमारा अल्लाह उससे महब्बत करता है ये है महब्बत लील्ला और एक तीसरी मोहब्बत है फितरी मोहब्बत फितरी मोहब्बत इंसान फितरी तौर से किसी चीज़ से मोहब्बत करता है जैसे कि बाप की मोहब्बत औलाद के लिए एक दूसरी मोहब्बत है इसी में फितरी मोहब्बत में औलाद अपने जो है माँ बाप से मोहब्बत करती है बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं इसी में एक मोहब्बत है कि जो है स्टूडेंट्स जो है अपने उस्ताद से अपने टीचर से और जो भी उसको पढ़ाता है उससे मोहब्बत करते हैं इसी में मोहब्बत है कि इंसान उलमा से महब्बत और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं तो इब्ने तोयम रही ने मोहब्बत की कई अकसाम का तस्करा किया है और अभी सवाले मजीद इस हवाले से मज़ीद इन बातें आएंगी इसमें अगला सवाल यह है कि मोहब्बत हमें किससे करना चाहिए मोहब्बत हमें किससे करना चाहिए तो देखें ओवरऑल इन जनरल उमूमी तौर से जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमें उन तमाम चीज़ों से मोहब्बत करनी चाहिए जो भी जो भी अच्छी चीज़ें हैं खैर वाली चीज़ें हैं लेकिन इन तमाम मोहब्बतों में हमें सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करना है अल्लाह रबी वल आमू अशद जो लोग ईमान वाले हैं वो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं उससे ज़्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। उसके बाद रसूल अक्रम सला वल्लम से कैसी मोहब्बत दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हमें रसूल अकरम सल्ला वल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए और इसी चीज़ को आप महब्बत रसूल के टॉपिक में बार बार सुनते हैं मशहूर वाक़ा है उमर रजी अल्लाह तु साथ चल रहे थे कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रसुल्ला मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाए मेरी जान के तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुस ने फरमाया उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं कहा क्यों इसलिए कि जब तक तुम अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे महब्बत ना करने लगो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा तो उन्होंने फौरन कहा अगर ऐसी बात है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं आप से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूं जितनी मोहब्बत मैं अपनी जान से और अपने नफ्स से अपने आप से भी नहीं करता इसी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ला यूमिन वाहुदुकुम हत्ता अकून अहब इलैही बिन वालिदिही व वलदिही व नसी अस्मई तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ और आपने आगे कहा उसकी औलाद से ज़्यादा तमाम और उसके माँ बाप से ज्यादा और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा तो अल्लाह के बाद हमें सबसे ज्यादा रसूल अक्रम सबत करना है और चूँकि अल्लाह और उसके रसूल सल ने ही हमें दीन बताया है शरीयत बताया है और दीन में जो कुछ है ये किसकी बात है अल्लाह की बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है इसीलिए हमें इस दीन से भी मोहब्बत करना चाहिए इस दीन से भी हमें मोहब्बत करना चाहिए अच्छा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीस के अंदर बयान वजद ही हलावत अल ईमान तीन चीज़ें जिस बंदे के अंदर हों तीनों चीज़ों की बिना पर वो ईमान की मिठास पालेगा ईमान का मजा ईमान की भी एक चाशनी है ईमान का भी एक मजा है हम और आप चूंकि एक रूटीन में चल रहे हैं बाप दादा हमारे मुसलमान चल रहा है यह सिलसिला इसलिए हमें ईमान की मिठास का अंदाजा नहीं ईमान की मिठास साहबा ने इसका अंदाजा किया साहबा ने इसका टेस्ट लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन चीजें जिस बंदे के अंदर हो वो ईमान की का मजा उसकी मिठास पालेगा नंबर एक

म को उसके फराम को उसके कवानीन को उसके रूल को तोड़ करके गंदी मोहब्बत वो हो जाएगी तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह की मोहब्बत में भी आप जो है गलतियां कर रहे हैं अल्लाह की मोहब्बत को आप धोखा दे रहे हैं और अपने आप को अपने नफ्स को भी आप धोखा दे रहे हैं युहिब्बल वा ला युहिब्बु इल्ला लाब्ल किसी से भी आपको मोहब्बत है ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होनी चाहिए इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया रजुलानी फिल्ला रखा अली दो ऐसे लोग भी कल अल्लाह के अर्श के साए में क़यामत के दिन जगह पाएंगे जिनकी मोहब्बत किस लिए है अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए दोनों इकट्ठा थे तो अल्लाह की खातिर और दोनों के दरमियान किसी दिन जुदाई पैदा हुई तो किस लिए अल्लाह के लिए कोई मसला आ गया और उस मसले में दूसरा वाला दोस्त बात नहीं मान रहा था या कोई और मसला था तो ऐसी सूरत में दोनों के दरमियान जुदाई पैदा हो गई अल्लाह आलमीन की अल्लाह नाराज ना हो अल्लाह की मोहब्बत ऊपर रखनी अल्लाह की मोहब्बत ऊपर रखनी है अच्छा इसी चीज़ को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी बयान किया है कुरान में अल्लाह ताला ने तूरत तौबा की आयत नंबर चौबीस में फरमाया बहुत बहुत अहम आयत अल्लाह की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत दीन की मोहब्बत इन तीनों मोहब्बतों से ऊपर अगर कोई मोहब्बत गई तो समझ लो वो मोहब्बत सच्ची नहीं वो मोहब्बत सही नहीं है इसलिए कि हमें सबसे ज्यादा अल्लाह की बात मानना है और अल्लाह की बात के सामने दुनिया में किसी भी बंदे की बात आ जाए उसकी बात हमें नहीं मानना है लफातली मखलूकन फीमास खालिक एक तरफ अल्लाह कह रहा है यह काम करो दूसरी तरफ आपका दोस्त कह रहा है जिससे आपको मोहब्बत है वो कह रहा है कि नहीं ये काम करो आप किसकी बात मानेंगे अल्लाह की बात मानेंगे अगर आपने अपने दोस्त की बात मान लिया गोया कि आपको अल्लाह से जो मोहब्बत है वो सबसे ऊपर नहीं वो सबसे हाई लेवल पर नहीं है इसीलिए अल्लाह ने धमकी दी आठ चीजों का तस्करा किया सूरत तोबा की आयत में कुल इंकान है आबाओक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे माँ बाप इनका ना आबा व आब नाकुम तुम्हारी औलाद वही खवाकुम तुम्हारे भाई बहन वकुम तुम्हारी बीविया या तुम्हारा जोड़ा वशरतक तुम्हारी फैमिली व माल तरफ तुम्हों और तुम्हारा माल जिसको तुमने कमाया है जमा किया है व तजारत तकशो न कसा और तिजारत और नंबर आठ मसाकिन तहा वो बिल्डिंग है वो घर जिसमें तुम रहते हो जिसको देख कर तुम खुश होते हो अगर इन आठ चीजों में से और दुनिया में यही आठ चीजें हैं जो इंसान के सामने आती इसके अलावा कुछ नहीं दुनिया में इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है यही आठ चीजें अगर इन आठ चीजों में से किसी एक की भी मोहब्बत अल्ला अल्लाह ने फरमा तुम्हारे नजदीक ज्यादा हो किससे मीनल अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा व रसूल ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज़्यादा व जिहाद इन फी सबीली अल्लाह के रास्ते में लगने से उस ज़माने में जंगें थी तो जिहाद आज के ज़माने में दीन पर अमल करने से भी ज़्यादा अगर तुम्हारे नज़दीक दुनिया की इन चीज़ों में से किसी की मोहब्बत हो गई तो फतरबसू इंतज़ार करो किसका हत्ता यातिय अल्लाहु बिअम्रिह अल्लाह के अज़ाब के आने हमें अल्लाह से मोहब्बत है लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपने नफ्स से मोहब्बत है हम नफ्स के गुलाम नफ्स के गुलाम हैं। अपनी मर्जी के मालिक हमारा दिल जो बोल रहा है वो हम करेंगे अल्लाह की मोहब्बत अपनी जगह रसूल की मोहब्बत अपनी जगह अभी देखें ये मोहब्बत रसूल के नाम पर ये सारी बिदअतें अंजाम देने वाली कौम क्या, क्या क्या करती है आप देखें एक तरफ से आप अंदाज़ा करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा है लेकिन इस दावे में कितने वो सच्चे हैं आवाम को परेशान करना म्यूज़िक बजाना और रास्ता ब्लॉक करना और ऐसे ही आप देखें ऐसे नाचना गाना छिरकना बहुत सारी हरकत है एक से एक गंदा काम किसके नाम पर रसूल अलैहि वसल्लम के नाम पर जबकि यह मोहब्बत झूठी यह दावा झूठा है और अपनी मोहब्बत में ये लोग सच्चे नहीं है बल्कि अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं शायर कहता है तासिल इलाहा, तहसील बहु तुम अल्लाह से माबूद की नाफरमानी करते हो और उससे मोहब्बत का इजहार भी करते हो हाँ जहाँ मोहल्फिया कैसे इंसान हो एक तरफ अल्लाह से मोहब्बत का दावा है दूसरी तरफ उसकी नाफरमानी एक तरफ रसूल से मोहब्बत का दावा है दूसरी तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है यह तो नामुमकिन चीज़ है ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं तुम कैसे मोहब्बत का दावा कर सकते हो या तो तुम्हारा दावा झूठा है या तो तुम्हारा अमल गलत है क्यों इसलिए कि शायर कहता है इसलिए कि इंसान मुहाल फिल सी बद शायर कहता है कि इसलिए कि एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है ना तो उसकी बात भी मानता है वो जो कहता है वो करने की कोशिश करता है वो जो कहता है वो वो उनकी मोहब्बत पर बात नहीं है वो कैसी मोहब्बत उनके दरमियान छोड़ दीजिए लेकिन किसी को भी किसी से मोहब्बत है तो ये मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि महबूब की बात मानो लौका अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम उसकी बात मानते क्यों इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात भी मानता है उसकी बात भी मानता है तो ये अल्लाह ने धमकी दी फतः इंतज़ार करो अल्लाह के अजाब के आने का अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तुम्हें दुनिया में किसी और चीज़ से मोहब्बत हो गई है अच्छा अगर अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा आपको मोहब्बत है रसूल वसल्लम से सबसे ज्यादा आपको मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का फायदा क्या है इस मोहब्बत का फायदा क्या है नंबर एक अनह असल तोहद इसलिए कि यह मोहब्बत ना ऐसी चीज है जिसका तकाज़ा तौहीद भी करती है तौहीद क्या है अल्लाह को एक जानना एक मानना तमाम चीज़ों में ज़ात में सिफात में अफ़ाल में इबादत में कामों में तमाम चीज़ों में तला को एक मानना ये तोहीद है। अब अगर इसके अंदर ये मोहब्बत ना हो और आप अल्लाह तला के सिवा किसी और की भी इबादत करने लग जाएं तो गोया कि आपकी मोहब्बत सच्ची नहीं तोहीद ये तकाजा करता है कि आप अल्लाह को एक मानते हैं ना तो उससे मोहब्बत भी आप करें तो अगर किसी बंदे के अंदर ये मोहब्बत आ जाती है अल्लाह से तो अल्लाह की ये मोहब्बत उसे किसी और दर पर लेकर नहीं जाती आप अगर अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाए ना और अल्लाह से मोहब्बत कब होती है पता है आपको कि किसी चीज से मोहब्बत आप कब करते हैं एक सवाल है आपसे किसी भी चीज से मोहब्बत आपको कब होती है? है कोई जवाब मोहब्बत सब करते हैं लेकिन किसी चीज से आपको मोहब्बत कब होती है कब होती है ये चीज नहीं वो तो उज़ुआत में असबाब में आ जाएगा मैं वक्त पूछ रहा हूं कब ये मोहब्बत होती है नहीं वो वो भी असबाब में आ गया हमें किसी से चाहे वो चीज हो या इंसान हो उससे मोहब्बत उस वक्त होती है जब हम उसको जान लेते हैं उसके बारे में हमें इल्म हो जाता है या उसके साथ थोड़ा वक्त हम गुजार लेते भाई आप मुझे नहीं जानोगे तो मुझसे मोहब्बत करोगे है भाई ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है दुनिया में कि नहीं कुछ नहीं पता नहीं जब तक आप किसी चीज को जानोगे नहीं तब तक आपको उससे मोहब्बत नहीं होगी पता नहीं कैसी चीज है हमने अल्लाह को नहीं जाना इसीलिए हमें उससे सही मोहब्बत नहीं है और अम्माकम रही लिखते हैं कि मन अर रफल्ला वफ़ाती जो अल्लाह को उसके नामों उसकी सिफात के साथ जान ले अहब बहू लमह तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो अल्लाह से मोहब्बत ना करे वो अल्लाह को दिल दे बैठेगा अपना भाई दो लोगों की शादी होती है दोनों एक दूसरे को नहीं जानते खानदान के नहीं होते हैं लेकिन जब दोनों एक रिश्ते में बच जाते हैं दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं तो क्या होता है ने, ने फरमाया इन दोनों की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह को दुनिया में और कोई मोहब्बत महबूबी नहीं है यह एक चीज तो आप अल्लाह ताला से मोहब्बत कब करेंगे जब उसको आप जानेंगे इसलिए अल्लाह ताला को जानिए और बंदा अल्लाह को कब जानता है जब अल्लाह की तोहीद के बारे में मार्फत हासिल करता है इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा कुरान में फैल्ला जान लो इस बात की जानकारी हासिल कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मबूद नहीं ये दुनिया में जितने खुराफात बिदाते हैं और तमाम शिरकिया अमाल अंजाम पा रहे हैं ना ये इसलिए क्योंकि लोगों ने अपने रब को नहीं पहचाना लोगों ने अपने रब को नहीं पहचाना तो रब से मोहब्बत नहीं हुई और जब रब से मोहब्बत नहीं हुई तो यहां वहाँ भटक रहे हैं तो ये मोहब्बत का फायदा है कि मोहब्बत जब हो जाती है अल्लाह से इंसान को तो इंसान अपनी तोहेद में क्या हो जाता है पुख्ता और मजबूत हो जाता है अच्छा मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत की जरूरत हमें क्यों है इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करना ये इससे कहीं ज्यादा जरूरी है जितना आप खाना पीना अपने लिए जरूरी समझते खाने पीने से ज्यादा जरूरी है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की जाए क्यों इसलिए कि अल्लाह ताला से मोहब्बत अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है आपका हो सकता है दुनिया में खाना पीना मिल जाए लेकिन आखिरत में क्या होगा खसारा होगा आपको तरसेंगे आप अल्लाह ताला ने सूरत आराफ़ में जिक्र किया है कि जन्नतियों से जहानमी कहेंगे कि ए जन्नतियों जो कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया है उसमें से हमें थोड़ा सा दे दो मिम्मा अम्मा रजुमल जो खाना दिया वो दे दो या थोड़ा सा पानी हमारे ऊपर छिड़क दो जन्नत का पानी तो जन्नति क्या कहेंगे इनकाफीन अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें जहनमियों पर काफिरों पर हराम करा दी तो खाने पीने से कहीं ज़्यादा जरूरी है ये मोहब्बत के बारे में जानना और इसमें भी सबसे पहले नंबर पर अल्लाह आलमीन की मोहब्बत अच्छा तीसरा फायदा क्या होता है कि अगर अल्लाह ताला से आपको मोहब्बत है या ऐसी ही मोहब्बत है आपको माँ बाप से या किसी और चीज़ से इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका महबूब आपकी मुसीबत के वक्त आपके काम आता है आपके लिए तसल्ली का जरिया होता है और हमारा सबसे बड़ा महबूब कौन है बालमी अल्लाह का साथ मुश्किल में हो इससे बड़ी बात क्या है हमारे लिए इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है कि हमारे रब का हमारे महबूब का साथ हो यह कब होगा जब हम अल्लाह से खालिस मोहब्बत करेंगे तो वह हमें मुसीबत के वक्त तसली देने आएगा यह फायदा होगा अच्छा एक और फायदा यह है मिन कि बंदे को जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है ना तो फिर बंदा गुनाह से अपने आप को बहुत हद तक दूर रखता है बहुत हद तक, तक दूर रख और सहाबा को यही मोहब्बत थी सहाबा को यही मोहब्बत थी अल्लाह ताला से इसीलिए वो गुनाह के करीब कम से कम कभी कभार हो गया हो गया कोई गलती कोई गुनाह हो गया हो गया इसलिए कि उन्हें अल्लाह से खालिश मोहब्बत थी और जब बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती मेरा महबूब नाराज होगा अगर ये मैं गुनाह का काम करूँ अगर मैं ये गलती मेरे महबूब ने इससे रोका है अगर मैं अपने महबूब की बात ना मानूं तो मेरा महबूब मेरे इस अमल से मेरे इस गुनाह से मुझसे नाराज़ हो सकता है नाराज़गी का खौफ होता है ना दुनिया में भी जितनी भी तरह की मोहब्बतें आप करते हैं एक दूसरे से समाज में जिससे भी आपको मोहब्बत है उल्फत चाहत है उसकी नाराज़गी का एहसास होता है इसीलिए आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो आपकी बीवी को आपकी माँ को आपके घर में किसी ऐसे इंसान को जिससे आपको मोहब्बत है आप उसको नाराज़ कर दें ऐसा कोई काम आप नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला से भी अगर मोहब्बत है ना तो ये मोहब्बत आपको बहुत सारी परेशानियों से गुनाहों के काम से रोकती है एक और चीज़ है अनहा वसाविस कि बंदे को अगर अल्लाह से मोहब्बत है ना तो फिर ये दिल में वसोसे कम कम आते हैं पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा नहीं गोया कि आपकी मोहब्बत अल्लाह से सही है ही नहीं ये वसोसा जो आता है ना मेरा फ्यूचर मेरा मुस्तकबिल पता नहीं क्या होगा भाई आप कोशिश कीजिए इसी को आप अपनी ज़बान में कह लीजिए कि अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखना जब अल्लाह से आपको मोहब्बत होगी तो अच्छा गुमान भी होगा लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत आपको नहीं है तो फिर अच्छा गुमान भी नहीं होगा और जब अच्छा गुमान नहीं होगा तो कभी आप बोलेंगे अरे पता नहीं मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी पता नहीं अल्लाह मेरे साथ क्या करने वाला है मेरा फ्यूचर कैसा है मेरा मुस्तकबिल कैसा है आप इस किस्म के जुमले बोलेंगे कब जब आपको अल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह से अच्छा गुमान नहीं होगा तो अल्लाह से मोहब्बत का ये फ़ायदा ही होता है कि आपको अल्लाह से अच्छा गुमान होता है और फिर इसकी वजह से आपके दिल में वसूसे कम आते हैं या आते भी हैं तो इस मोहब्बत की वजह से वो वसुसे ख़त्म हो जाते हैं ये तो बात हुई कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो उसका फ़ायदा अच्छा इसी में एक वाक्य आप जानते हैं कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बदले में अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करता है आप अल्लाह से मोहब्बत करें ये छोटी बात है लेकिन अल्लाह आपसे मोहब्बत करे ये बहुत बड़ी बात है अल्लाह आपको अपने महबूब बंदों में शामिल कर ले बहुत बड़ी बात इसी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया आपने सुना वाक़ बड़ा मशहूर वाक़ एक आपने एक टुकड़ी रवाना की सहाबा की छोटी सी जमात किसी इलाके में लोग गए तो जो उस जमात का अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया वो नमाज जब पढ़ाते थे अपने साथियों को तो मगरिब मगरबीशा और फज्र में रुकू में जाने से पहले जब करत करते थे तो रुकू में जाने से पहले सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा पढ़ते थे कोई किसी जगह से कुरान की आयत पढ़ते थे फिर उसके बाद सूरत अखलास पढ़ते थे और हर रकात में ऐसा करते थे मगरिब शाह की पहली दोनों रकातों में फ़ज्र की दोनों रकातों में तो जो साथ में और लोग थे साहबा साथी उनके बड़े परेशान हो गए अजीब इंसान है हर रक़ात में सूरह इखलास हर रकात में सूरह इखलास लेकिन पूछा नहीं किसी ने हिम्मत नहीं हुई किसी को कि अमीर साहब से पूछे कि आप ऐसा क्यों करते हैं मदीना आए तो ये साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि आपने कैसे आदमी को भेजा था हमारे साथ हमारा अमीर बना करके हर रकात में ऐसा ऐसा करते थे वो तो आप वसल्लम ने फरमाया शैइन आई शईनिक जाकर उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते मुझसे क्यों पूछ रहे हो काम उन्होंने किया ऐसे बहुत से लोग होते हैं किसी आलिम की वीडियो सुनेंगे सवाल यहां करेंगे फला साहब ने अपनी वीडियो में कहा पूछो उनसे भाई यहां क्यों पूछ रहे हो तो ये साहबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि पता वो ऐसा कर रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा कहा उन्हीं के पास जाओ उनसे पूछो क्यों ऐसा करते ये सारे साहबा गए उनसे पूछा भाई ऐसा करते थे आप तो कहा कि हाँ कहा क्यों कहा रहमान इसलिए कि सुरखलास में अल्लाह की सिफात का खूबियों का तस्करा है व अन्हि हिब्बु अन् कराह और मुझे पसंद है कि मैं सुर अखलास बार बार पढ़ूँ क्योंकि इसमें मेरे महबूब का तस्करा है मेरे रब का तस्करा है ये सारे साहब आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ये वजह बताई है तो आपने फरमा अखबिरूह अन्लाब जाकर उनसे बता दो कि अल्लाह भी उनसे महब्बत करता है तो आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना ये अच्छी बात है ठीक है लेकिन अल्लाह आपसे मोहब्बत करे ये बहुत बड़ी बात है बहुत आला दर्जा है इसीलिए आज लोग इरतदाद के फितने में बहुत सारे लड़के मुसलमान मुब्तला हैं तो लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा फितना है ठीक है फितना है बिल्कुल फितना है ये इसलिए होता है ना क्योंकि ईमान का जो मजा है शुरू में मैंने जो हदीस पढ़ी आपके सामने ईमान का मज़ा इनको मिला नहीं है और ईमान का मजा क्यों नहीं मिला क्योंकि उनको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है अल्लाह ताला क्या कहता है बताए आपको दुनिया में अगर कोई एक बंदा मुर्तद हो अल्लाह उस एक के बदले पूरी कौम को मुसलमान बना देता है एक मुर्तद होता है ना ईमान को छोड़ता है उसके बदले अल्लाह पूरी कौम पूरी जमात को मुसलमान बना देता है कुरान क्या सूरतुलमाइदा अल्लाह फरमाते हैं या यादी बस उतल बेकूब ऐमान वालो तुम में से जो मर्तद हो जाए एक बंदे की बात किया अल्लाह ने लेकिन बदले में नतीजे में क्या कहा जो मर्तद हो जाए तुम में से अपने दीन से तो अल्लाह उसके बदले एक ऐसी कौम लाएगा जिस कौम की सिफत क्या होगी युब्बो हम वब्बो न कि अल्लाह ताली उनसे मुहब्बत करेगा और ये अल्लाह तला से मुहब्बत करेगा तो जो लोग भी मुर्तद होते हैं सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको ईमान के बारे में नहीं पता और ईमान के बारे में क्यों नहीं पता क्योंकि अल्लाह से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए वैसी मोहब्बत उनको हासिल नहीं है अच्छा एक और फायदा क्या है मोहब्बत का यह बहुत अहम चीज है आज हम अपनी अपनी मोहब्बतें दुनिया में चेक करें कि हमें किससे मोहब्बत है और कैसी मोहब्बत है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कहा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के इस सवाल को आपने एक सवाल से हल किया आपने पूछा मा आजत चला क़यामत का पूछ रहे हो तैयारी क्या की है क्या तैयारी की है तो सहाबी ने कहा कोई तैयारी नहीं की है हाँ मुझे अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है कोई तैयारी नहीं सिर्फ इतना है मेरी झोली में मेरे दामन में सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ आपने फरमा था मन अहबत का या तेरे लिए खुशखबरी है तो जन्नत में उसके साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत है होता हम बात यह मोहब्बत का फायदा है हमारी मोहब्बतें किससे हैं कैसी है किस बुनियाद पर है यह हमें चेक करना चाहिए अगर अल्लाह से मोहब्बत है अल्लाह का साथ मिलेगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और याद रहे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये दोनों लाजिम मलजूम है आप कहें मुझे अल्लाह से मोहब्बत है तो लाम आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत होगी अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा आपको है लेकिन आप कहीं अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो आप अपनी मोहब्बत के दावे में जुटे हैं तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होगा अब अपनी अपनी मोहब्बतें इंसान चेक करे कि उन्हें किससे मोहब्बत हैं अच्छा एक सहाबी को किसी मौके से कुछ लोगों ने बुरा भला कह दिया उनके ताल्लुक से गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दिए तो आप अलैहि वसल्लम ने टोका लोगों को कहा नहीं नहीं उनको बुरा मत कहो क्यों इसलिए कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है अच्छा ये तो बात हुई मोहब्बत के हवाले से मोहब्बत का फ़ायदा क्या है ख़ास तौर से अल्लाह और उसके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का अच्छा कुछ ख़ास लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है अब आइए देखें क्या हम इस लिस्ट में हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है अल्लाह की मोहब्बत जिन जिन लोगों से है जिस टाइप के लोगों से है क्या हम ऐसे फहरिस्त में इस लिस्ट में आते हैं ये कई चीज़ों का मैं तस्करा आपके सामने करूंगा इन शेरह लोग हैं तेरह टाइप के लोग हैं कि जिनसे अल्लाह रब्लम मोहब्बत करता है जिनका तस्करा अल्लाह ने कुरान में किया नंबर एक अबू तोबा करने वाले हम तोबा करते है? तोबा अगर करते हैं तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है इनल्लाहा युहिबुत तवबीन अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है नंबर एक नंबर दो अल मुततहरून पाक साफ रहने वाले हमारे अपने मुसलमानों में कितने लोग हैं नापाक रहते गंदे रहते नहाने की जरूरत है नहाते नहीं है कपड़े में कुछ गंदगी लग गई है धोते नहीं है तो नंबर दो अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है जो पाक साफ रहते हो खूबसूरत बन के रहते हो इन अल्लाह तवा बन अविबुल मोता तोहरीन नंबर तीन अल्तुल कुरान में कई जगह आप पढ़ते हैं युहिबुल व्लाब्बुलमुतिन अल्लाह ताला तकवा वालों से मोहब्बत करता है जो मुत्तकी हैं परहेजगार लोग तखवा किसको कहते हैं तखवा का मतलब क्या होता है अल्लाह से डरना हो तो माना हुआ लेकिन तखवा एग्जैक्ट कहते हैं किसको है जी खाली छोड़ना हाँ ये सब तकवा के फायदे में आते हैं तकवा कहते हैं अल्लाह ने जो कहा वो करो जिससे मना किया उसे रुक जाओ ये तकवा है, ये तकवा है। और तकवा का माना क्या होता है परहेजगार तकवा परहेजगारी तकवा का मतलब डरना तकवा का मतलब बचना कई मानी है तकवा में तो अल्लाह तकियों से मोहब्बत करता है यानी जो बंदे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलते हैं अल्लाह ने जो कहा वो करते हैं और जिससे अल्लाह ने मना किया है उससे रुकते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है नंबर चार अलमुहसन एहसान करने वाले वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है हम एहसान करते हैं किसी के साथ करना चाहिए और एहसान कर ले तो जताना नहीं चाहिए एहसान जताना नहीं चाहिए एहसान करते रहिए दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत आपको हासिल होगी नंबर पाँच असाबिरून सब्र करने वाले युहिब्बुस युब्बिरन अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है हमारी ज़िंदगी में सब्र है हम उतावले हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए कोई परेशानी आ जाए उतावले हो जाते हैं हो जाते हैं बस दफ़ा अल्लाह को ही बुरा भलाम कह देते हैं अल्लाह में ही मिला था मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ अल्लाह मेरे ऊपर ही यह मुसीबत क्यों गलत बात सब्र कीजिए अल्लाह ताला के फ़ैसले पर अल्लाह के फैसले पर राजी रहिए ये मोहब्बत का भी तकाजा है बदले में क्या मिलेगा आपको अल्लाह ताला भी आपसे मोहब्बत करेगा नंबर छः अलुचवक्लून जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते इन अल्लाह अबक्लिन अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है और तवक्कुल इंसान कब करता है अल्लाह पर जब अल्लाह से उसको मोहब्बत होती है अल्लाह के बारे में वो जानता है अल्लाह ताला का हक़ अदा करता है नंबर सात अलमुखू इंसाफ़ करने वाले इंसाफ़ करने वाले और इंसाफ़ करने अच्छा इंसाफ़ करने वाला जहन में आता है ना तो हमारे ख्याल में क्या आता है वो बादशाह वो जज वो काजी बस वही हम लोग ख़ुद अपनी ज़िंदगी में भी अपनी जगह मुनसिफ़ हैं काजी हैं जज हैं बाज दफ़ा हम चेहरे देख करके गलत फैसले कर जाते हैं कभी बाप की हैसियत से कभी टीचर की हैसियत से कभी किसी कंपनी में किसी बड़े अहदे पर होने की हैसियत से कभी किसी और हैसियत से जहाँ भी जिस लेवल पर आप हैं आपको जहाँ भी इंसाफ करने का मौका मिल रहा है चेहरा देख करके आप फैसले मत कीजिए बल्कि इंसाफ के तराजू के मेजान के मुताबिक आप फैसला कीजिए कि हक किसके साथ इसी को अल्लाह ने क्या कहा अगर तुम्हें अपने खिलाफ भी फैसला देना पड़े ना तो अपने खिलाफ भी फैसला दो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था अगर मेरी बेटी लो लो सर फातिमा तुम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद ने चोरी की होती तो मैं उसके हाथ काट देता यह है इंसाफ यह अदल अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है नंबर आठ जो अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल सफ़े लगा करके अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और दुश्मनों से जंग करते हैं नंबर नौ जो मोमिनों के ईमान वालों के दरमियान एक दूसरे के लिए मेहरबान है रहीम है मुशफिक हैं और नंबर दस अजा अल अलकाफरीन ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है कुफ्र के काफिरों के मुकाबले में सख्त हैं नंबर ग्यारह मुजाहिदू फ़ी सभी अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाले नंबर बारह ये बहुत अहम चीज है हमारे यहां दफ़ा लोग कोई बड़ा आदमी गलती कर रहा है ना तो चुप हो जाते हैं उसको टोकते नहीं है वहीं कोई कमजोर अगर गलती करे उसको टोक देते हैं फौरन क्यों इसलिए कि बड़े आदमी से या तो डर लगता है या तो बड़ा आदमी उसकी तवज्जो हमारी तरफ से चली जाएगी फिर आगे हमारे काम नहीं आएगा इसलिए उसको राजी करके रखो खुश करके रखो ये अच्छा करे तो अच्छा बुरा करे तो भी अच्छा वो रात को रात कहे तो भी अच्छा रात को दिन कह दे तब भी हम राजी हैं खुश हैं जैसे बादशाहों के दरबारी होते थे चापलोसी में हमेशा लगे रहते थे बादशाह सलामत ये साहब कुछ भी कह दे इनको टोकना नहीं है। इनको गलत नहीं कहना अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो किसी की परवाह नहीं करते बुरा लगे लगे तुम्हें तुम्हारा काम अगर गलत है तो तुम्हें टोका जाना ये ज़रूरी है ये ज़रूरी इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन उसके अपने आदाब हैं उसके अपने दायरे हैं कैसे किसको टोकना है किस तरीके से टोकना है वो एक अलग टॉपिक लेकिन अगर कोई बंदा शरीयत के हिसाब से गलत कर रहा है अब अगर कोई यहाँ इस महफिल में बाएँ हाथ से चाय पिए तो मैं उसको ना रोकूँ पियो हाँ अच्छा है और लोग हैं नहीं तनाई में जाकर के बोलूंगा कि आप बाएं हाथ से पी रहे थे नहीं भाई जो जैसी चीज जिसका डिमांड करते उसके हिसाब से फैसला किया जाए उसकी परवाह नहीं अल्लाह ताला का फैसला अल्लाह ताला की बात अपनी जगह और दूसरे जो जो सामने लोग हैं उनकी मोहब्बत, उनकी इज़्ज़त उनका एहतराम अपनी जगह लेकिन अल्लाह की मोहब्बत हमें इस बात का तकाजा करती है कि अल्लाह का ये फ़रमान है लिहाजा फला आदमी गलत कर रहा है उसको टोको उसको रोको ये नंबर बारह नंबर तेरह अलमतर रिबून नबिन नवा फिलिबादलफ़राइ अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है जो फ़र्ज़ के बाद सुन्नतों का भी अहतमाम करते हैं जो का काम है करते हैं अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है तो ये जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए कि अल्लाह ताला कैसे लोगों से मोहब्बत करता है हम कौन सा काम करें क्या हमारा शुमार ऐसी लिस्ट में होता है जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है तो ये तकरीबन तेरह लोगों का तस्करा मैंने आपके सामने किया है अगली बात बताने से पहले एक चीज किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है मोहब्बत किससे हमने बात कर लिया मोहब्बत कैसी उस पर भी बात कर लिया और मोहब्बत क्यों इस पर बात करेंगे किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है आप किसी से मोहब्बत क्यों करते हैं चार उलमा ने बयान किए चार वजूहत नंबर एक एहसान नंबर दो अच्छे अखलाक नंबर तीन रिश्तेदारी नंबर चार खूबसूरती ये चार चीज अच्छा अगर इन चारों चीजों को एहसान अखलाक रिश्तेदारी यानी ताल्लुक रिलेशन और नंबर चार खूबसूरती इन चारों चीजों को अगर हम एक साथ रख करके देखें तब भी हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर कौन आता है अल्लाह है। तो। ये चारों चीज इसलिए कि सबसे बड़ा मोहसिन कौन है दुनिया में अल्लाह सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एहसान करने वाला और नंबर दो अल्लाह ताला के तखलाक पर क्या बात करना अल्लाह ताला के जितने नाम है जितनी सिपा अल्लाह ताला के यहां कुछ गलत है ही नहीं वो हर चीज में कमाल पर है कोई नक्स तक नहीं आय तक नहीं इसीलिए हम क्या कहते हैं सुबह अल्लाह अल्लाह की जात पाक इसमें कोई आय नहीं तो इस हिसाब से भी नंबर तीन रिश्तेदारी हमारा रिलेशन अल्लाह से सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए अल्लाह से हमारा आबिद और माबूद का ताल्लुक़ है हम इबादत करने वाले हैं वो हमारा माबूद है वो हमारा मालिक है हम उसके गुलाम हैं हम फकीर हैं वो गनी है ये हमारा ताल्लुक है इसकी बुनियाद पर भी सबसे ज़्यादा अल्लाह से महब्बत होनी चाहिए और इन अल्लाह जमील दुनिया में जितना जमाल जितनी खूबसूरती है सब किसी पैदा किया अल्लाह ने तो इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं तो वो कितना ख़ूबसूरत होगा जमील है खूबसूरत है यू हिब्बुलजमाल वो खूबसूरती को पसंद करता है ये तो बात हो गई अल्लाह की अच्छा अब इन चारों चीजों को सामने रखें तो अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हमारी मोहब्बत का मुस्तैक कौन है प्यारे अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा क्यों इसलिए कि वो हमारे महसिन हैं उन्होंने हमारे लिए गालियां खाई मार खाया है जुल्म सहा है अपना घर छोड़ा है अपना इलाका छोड़ा है घाटी में रहे हैं कैद की जिंदगी गुजारी है उन्होंने किस लिए हमारे लिए ताकि दीन हम तक पहुंच जाए उन्होंने हमारे लिए अल्लाह से दुआएं की उन्होंने रातों को उठ उठ कर आंसू बहा करके हमारी खैरियत और सलामती के लिए अल्लाह को पुकारा है वो हमारे महसिन है तो इस एहसान की बुनियाद पर वो मुझसे है इस बात के कि हमें अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत होनी चाहिए आपका अल्लाह अल्लाह ने खुद गवाही दी व इन्ना का लाला खलोकन अवैब मक्के वाले मजनून कह रहे हैं पागल कह रहे हैं दीवाना शाहिर साहिर काहिन न जाने क्या क्या, क्या कह रहे हैं पूरा मक्का अल्लाह क्या कह रहा है मा माँ अनशिनबी का भी मजनून ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की नेमत और फजल की बुनियाद पर आप मजनून नहीं हैं पागल नहीं हैं आप व ला अला लालाकिन अज़ीम आप अखलाक के बहुत आला मकाम पर फाइज और कुरान में जितनी बातें अच्छी बातें सारी बातें नबी जिंदगी में थी और जितनी उन तमाम बुराइयों से हमारे प्यारे रसूल सल्ला दूर थे बल्कि बुराइयां तो छोड़िए आप सल्लाह वसलम कभी ऐसी मजलिसों में शरीक तक नहीं हुए नबी बनाए जाने से पहले की चालीस साल जिंदगी आप देख लो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मजलिसों में कभी शरीक तक नहीं हुए एक मौका ऐसा आया कि किसी महफिल में आपको शिरकत करनी थी आपने अपने साथी को जो आपके साथ बकरियां चराता था उससे कहा मेरी बकरियां देख लेना मैं रात को जाऊंगा। आप सल्लम उस रास्ते पर निकले रास्ते में अल्लाह तला ने आपको सलाह दिया आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं इतना बुलंद अख्लाक पाए का अखिलाफ कि दुश्मन भी गवाही दे रहा दुश्मन भी गवाही दे रहा इतने बुलंद अखलाक के मालिक थे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु सल्ला इस बुनियाद पर भी हमें सबसे ज्यादा उनसे बात होनी चाहिए अच्छा तीसरी बात रिश्तेदारी की बुनियाद पर ताल्लुक़ की बुनियाद पर भाई हमारा उनका ताल्लुक क्या है एक नबी एक उम्मी वो हमारे नबी हैं उनकी बातें हमारे लिए मानना जरूरी है और हम उनकी उम्मती है उनके उम्मत का एक फर्द है तो ये बहुत बड़ा ताल्लुक और ये ताल्लुक रिश्तेदारी जो हमारे माँ बाप है और दीगर रिश्तेदारियां इन तमाम ताल्लुक से ऊपर का ताल्लुक है इन तमाम चीज़ों से बहुत अहम ताल्लुक है इसकी बुनियाद पर भी हमें उनसे मोहब्बत होनी चाहिए और नंबर चार खूबसूरती की बुनियाद पर खूबसूरती की बुनियाद पर और खूबसूरती की आपकी मिसाल क्या है खूबसूरती की आपकी मिसाल की हजरत असान बिन साबित रजी अल्लाह ने पूरा कसीदा लिखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसन व जमाल पर और आपसे ज्यादा खूबसूरत इस कायनात में कोई पैदा नहीं हुआ कोई पैदा नहीं हुआ सूरज हो चांद हो सितारे हो ये तमाम की खूबसूरती हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती के आगे फीकी हजरत यूसुफ सलाम भी इतने खूबसूरत नहीं थे ये हमारे प्यारे नबी सल्लाम राम तो ये चारों उसाब जिनकी बुनियाद पर इंसान किसी से महब्बत करता है ये चारों इसबाब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मौजूद हैं लिहाजा अल्लाह के बाद हमारी महब्बत के सबसे ज़्यादा मुस्तक वही अब आप आम माहौल में देख लीजिए कोई भी आपके साथ एहसान कर जाए एक तरह का आपका उससे ताल्लुक़ हो जाता है और ख़ास तौर से इस दौर में मैं आपको बताऊं कोई सिर्फ नाजुक है औरतें हैं आप देखें ख़ास तौर से उनके साथ उनका कोई काम कर देना कैसा उनके साथ एक ताल्लुक हो जाता है एक ताल्लुक़ हो जाता है और चीज़ें यहीं से रफ्तार रफ्ता आगे बढ़ जाती है फिर वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं अच्छा इसी में देखें अखलाक की बुनियाद पर आपका अखलाक अगर कोई देख ले अच्छा अखलाक उमदा अख्लाक वो आपका फैन हो जाता है साहब बहुत अच्छे इंसान हैं वो बहुत प्यारे इंसान हैं फिर वो एक तरह की आपको आ, आप आपकी ज़ात से ना वो एक तरह से बंध जाता है सफ़र में आप जाएं आप किसी के सामने उमदा अखलाक का मुजाहरा कर दें ना वो अगली बार कई सालों तक आपको याद रखता होगा नंबर तीन रिश्तेदारी की बुनियाद पर आप अपनी माँ से कैसे मोहब्बत करते हैं और माँ अपने बच्चे से कैसे मोहब्बत करती है आप अपने अब्बा से और आपके अब्बा आपसे कैसे मोहब्बत करते हैं शोहर बीवी की आपस में मोहब्बत है और ऐसे ही देखें और दीगर मोहब्बत है भाई बहन की मोहब्बत वो एक अलग टॉपिक है कैसी मोहब्बत होती है सुबह अल्लाह ये एक 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 तरह का क्यों इसलिए कि रिश्तेदारी में बदें एक ताल्लुक़ है एक दूसरे का खून है और इसी बुनियाद पर वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वरना हम बाजू वाले से पड़ोस वाले से सोसाइटी में रहने वाले और इंसानों से तो ऐसी मोहब्बत नहीं करते क्यों इसलिए वो हमारे रिश्तेदार नहीं और नंबर चार खूबसूरती यहाँ तो शादियाँ भी होती हैं इसी की बुनियाद पर फिर ये सारा मामला आगे चलता है किसी से आपको कोई खूबसूरत इंसान है उससे मोहब्बत हो जाती है और अच्छा हमारे यहाँ लगता है लोगों को कि चेहरे का साफ होना ही असल खूबसूरती है ये असल खूबसूरती नहीं है गोरा होना ही असल खूबसूरती नहीं है बल्कि खूबसूरती का मैार क्या है उस पर उस पर भीमा ने बाकायदा बातें लिखी उस पर भी बातें हैं गुफ्तु है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो सिर्फ चेहरे का गोरा होना यह खूबसूरत होने की अलामत नहीं है खूबसूरती के और भी बहुत सारी जो है शक्लें हैं सूरतें हैं तो ये चारों चीजें दुनिया में भी इंसान मोहब्बत करता है इन्हीं चारों चीजों में से किसी एक चीज को देख कर और किसी के अंदर चारों चीजें हो तो माशाल्लाह। अच्छा आपको अल्लाह से मोहब्बत है आपकी मोहब्बत सच्ची कब मानी जाएगी आपको अल्लाह से मोहब्बत है ठीक है आप दावा कर रहे हैं लेकिन यह दावा सच्चा कब माना जाएगा आप अपनी बात में सच्चे कब होंगे जब आप उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा करें युहबिब कुमला आप कह दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो क्या करो मेरी इतबा करो मेरी बात मानो क्या फायदा होगा युहबिब अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा यह बहुत अहम चीज है पॉइंट है कि हमारी अल्लाह से मोहब्बत रसूल अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उसी वक्त सच्ची मानी जाएगी जब हम अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की इतवा करेंगे उनको सही मानों में हम फॉलो करेंगे अच्छा एक और चीज एक इंसान का ईमान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं अच्छा कुरान में अल्लाह ने एक जगह ही सिर्फ़ मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल किया वालक़ तो का महब्बत मिन्नी मूसा सलाम के वाक़े में क्या मूसा मैंने आपके अंदर अपनी मोहब्बत डाल दी है महब्बत अरबी में महब्बत होता है और उर्दू वाले उसे मोहब्बत और महब्बत दोनों तरह से बोलते हैं और समझते हैं तो ईमान आपका मुकम्मल है कैसे पता चलेगा इस तरीके से कि आपको अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायाल जन्नत हतुमीनू कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ईमान वाले ना हो जाओ वला तुमीनू हाब और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगो अब जाहिर सी बात है ईमान के लिए आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करना शर्त करार दिया गया तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत कहीं ज्यादा है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया जाए आखिरी बात इस हवाले से वखिरी बात क्या है अलबाब अलिबा महब्बत कि हमें अल्लाह की महब्बत कैसे हासिल होगी वो रीज़न क्या है इस्बाब क्या है, जिनकी बुनियाद पर हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो सकती है या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला से या दीन से मोहब्बत हासिल हो सकती है। दस चीजें मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ नंबर एक खरा अतुलब्बुर कुरान पढ़ना कैसे समझ कर कुरान में क्या है अल्लाह की बातें हैं अल्लाह का तस्करा है अल्लाह की सिफात हैं अल्लाह के काम है अल्लाह की चीज़ों का तस्करा है तो आप क़र्न अगर पढ़ते हैं तो क़ुरान समझ कर पढ़ने की वजह से आपको अल्लाह से ज़रूर मोहब्बत हो जाएगी इसीलिए रसूल सल अल्लाह वम की ज़ात पर जब कोई बात करता है उंगलियाँ उठाता है आपकी शान में गुस्ताखी करता है तो हम क्या दावत देते हैं कि लोगो हमारे नबी की सीरत पढ़ो अगर नबी की सीरत पढ़ोगे तो उनको मानने वाले न बनो लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले जरूर बन जाओगे तो ऐसे ही अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए कि आप अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा कुरान पढ़ना पड़ेगा कुरान को समझ कर पढ़ना पड़ेगा तदब्बर तो और उसके मानी मफाहिम समझ करके नंबर दो सिर्फ फर्ज पढ़ लेना काफी नहीं है फर्ज के साथ साथ नफल का भी अहतमाम करना इसलिए अल्लाह कहता है हदीसी खुद में जब बंदा फर्ज के साथ साथ नफल का भी एहतमाम करता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूं पैर बन जाता हूं उसका कान बन जाता हूं उसकी आंखें बन जाता हूं क्या मतलब है यानी मैं उसको सही जगह लगा देता हूं वो सही काम करता है फिर गलत काम नहीं करता वो कब होता यह जब बंदा फर्ज के साथ साथ नफल का भी एहतमाम करे तो अल्लाह ताला से वो मोहब्बत करने लग जाता है और बदले में उसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है नंबर तीन दवा में जिक्रिहा बिल्सान वलकल बिलहाल हरदम अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहे ज़बान से हो चाहे दिल से हो चाहे अमल से हो जैसे भी अल्लाह ताला का जिक्र आप करेंगे तो ये जो बार बार आपको कहा गया ना जिक्रन कसीरा अल्लाह का कसरत से जिक्र करो क्या फ़ायदा होता है इससे कि ये चीजें आपको अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जाती हैं तो अल्लाह ताला का आप जिक्र करेंगे तो इसकी बुनियाद पर आपको अल्लाह आलमीन की मोहब्बत हासिल होगी नंबर चार ईसारू महाबिल्ला महाबिन ये अहम चीज है पहले भी इशारा किया मैंने कि आप जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उसको अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में ऊपर ना करें आपका मन कुछ कह रहा है लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और है तो आपको क्या करना है अल्लाह की मर्जी चला अपनी मर्जी चलाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे घाटा होगा खसारा होगा नुकसान होगा आप कहीं ना कहीं गढ़े में खाई में चले जाएंगे इसीलिए अल्लाह जिन चीजों से मोहब्बत करता है आप उसको ऊपर रखिए आपकी मोहब्बत अपनी जगह लेकिन आप अपनी मोहब्बत को पीछे ढकेल दीजिए अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले मुँगत में नंबर पांच मतालातल बिल असमा अल्ला ही वफ़ाती ही व मुशाहदतः व मारिफतिया कि अपने दिल को आप लगाएँ पूरी कायनत देखने में कि अल्लाह तला ने यह सब पैदा किया अल्लाह ताली ने इन सारी चीज़ों की तख्लीक़ की साथ ही अल्लाह के नामों में आप गौर करें अल्लाह ताली के कैसे कैसे नाम नामबान अल्लाह हमारे यहाँ सिर्फ लोगों को बता दिया गया है कि जो अल्लाह ताली के निन्यावे नाम याद कर ले वह जन्नत में जाएगा क्या मतलब है याद कर लो जन्नत मिल जाएगी मतलब यह है कि अल्लाह के नाम को जानो याद करो और उन नामों का जो माना है वो भी जानो और साथ ही साथ उन नामों का तकाज़ा क्या है उसको भी उस उन नामों का क्या डिमांड करते हैं नाम उनको भी जानो फिर अल्लाह ताला को जब जान लोगे आप तो मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला गफ्फ़ार है उससे मगफ़रत मांगो अल्लाह रहीम है उससे रहमत मांगो अल्लाह ताला सख्त पकड़ने वाला है उसकी पकड़ से अपने आप को बचाओ ये सारी चीज़ें उसमें दाखिल हैं तो अगर आप अल्लाह ताला के नामों में गौर करते हैं सिफात में गौर करते हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में गौर करते हैं अपने दिल को लगा करके रखते हैं कि हाँ देखो ये सारी कायनात है तो इसी सूरत में धीरे धीरे आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी नंबर छः मुशाह उबर्री व एहसान ही व आला ही व न्वाही राबाखिन अपनी जिंदगी में आप देखिए कि अल्लाह ने कितने एहसानात किए आपके ऊपर आप कौन है जिसने सब दिया है बिना मांगे बिना मांगे किसने दिया है अल्लाह ने दिया वही नेमतें देता है जाहिरी नेमतें बातिनी नेमतें बरकतें दिखाई देने वाली चीजें ना दिखाई देने वाली चीजें वो सारी चीजें वही दे रहा है दुनिया में कोई एक दो मरतबा आपका कोई काम कर दे आपके काम आ जाए आपको कर्जा दे दे उससे लाख मोहब्बतें करते हैं अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया हुआ करोड़ों अरबों की दौलत दी हुई है आपको आपके अपने जिस्म में वफी अनफुसी को मिला तुमसे रोड अपने अंदर देखो दिखाई नहीं देता अपने अंदर देखोगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह के एहसानात को समझोगे और उससे मोहब्बत हो जाएगी नंबर सात इनकसारकल बी भी कुल्ली यति ही बीना यद अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो कुल्ली तौर से अपने आप को लगा दो उसी की ज़ात की तरफ जोड़ दो अपनी ज़ात को अपने दिल को अल्लाह ताला से ते चीज़ आपको अल्लाह के करीब कर देगी आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी और नंबर आठ जो बहुत अहम चीज़ है कभी कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला को पुकारो ये सिर्फ मस्जिद में आकर के नहीं घरों में कभी रात को उठो मुसल्ला बिछाओ एक कोना पकड़ो अल्लाह ताला से जुड़ जाओ अल्लाह ताला से लौ लगाओ अल्लाह ताला को पुकारो इसकी वजह से आप अल्लाह उससे सरगोशी करो उससे बातें करो उसका नाम लो उसकी सिफात का तस्करा करो उसकी खूबियों का तस्करा करो और अपने दिल को उससे जोड़ करके मांगो खो मांगो रो आंसू बहाओ देखो कैसी मोहब्बत आपको अल्लाह ताला के हासिल होती है और नंबर नौ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए मुझे अलसतुलमुहिबीन असादकीन अच्छे लोगों से मोहब्बत इसलिए कि अच्छे लोगों की मजलिस में आप बैठेंगे जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उनकी मजलिस में आप बैठेंगे तो ऐसी सूरत में फ़ायदा ये होगा कि आपको भी अल्लाह आलमीन की मोहब्बत हासिल होगी आप अल्लाह की मोहब्बत के करीब जाएंगे और नंबर दस بين القلب وبين الله हर उस चीज़ से अपने आप को दूर रखें जो आपको अल्लाह की मोहब्बत से दूर करने वाली हर उस चीज़ से अपने दिल को अपने आप को दूर कर लें जो आपके दिल और आपके रब अल्लाह के दरमियान जो चीज़ आने वाली है ऐसी तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर करें ऐसी तमाम चीज़ें अपने घर में ना रखें पहले नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीरें हों फला, फला चीज़ हो कई एक चीज़ों का वसल्लम ने अलग, अलग अलग रिवायतों में नाम लिया तो आप सोचें कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके और आपके रब के दरमियान हायल है और आप उसको दूर नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे अल्लाह के करीब जाएंगे? आप दरवाज़ा ना खोलें आप बाहर कैसे जा सकते हैं आपको बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा अल्लाह की मोहब्बत चाहिए अल्लाह के करीब जाना है तो दरमियान में जो रुकावटें हैं जो रोड़े हैं जो चीज़ें हैं उनको हटा करके आपको आगे बढ़ना होगा तब जा कर के आपको अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी ये मोहब्बत के हवाले से कुछ गुफ्तु थी और आज देखें दुनिया में क्या सूरत हाल है मोहब्बत की क्या सूरत हाल है मोहब्बत की कि मोहब्बत की पूरी तस्वीर बदल करके रख दी गई वो पूरी तस्वीर बदल करके रख दी गई है कि दो लोग जो है आ, रिलेशनशिप में है और पता नहीं किस किस तरीके से रह रहे हैं उसको मोहब्बत का नाम दिया जाता है वो मोहब्बत नहीं है वो हवस है वो वो हवस है वो शहवानी और जो है नफसानी लज्जात और ख्वाहिशात पर अमल करना है उसे मोहब्बत का नाम मोहब्बत बड़ा पाकिजा लफ्ज है बहुत पाकिजा लफ्ज है और एक फितरी जज्बा है जो हर इंसान के दिल में होता है इसीलिए इंसान जिस चीज़ को भी अच्छा समझता है या जो चीज़ भी अच्छी होती है वो इंसान के करीब होती है इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है मोहब्बत बहुत प्यारा लफ्ज़ है और इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है इस लफ्ज़ को गंदा ना कीजिए इसको गदला ना कीजिए और इसे नापाक ना कीजिए और दुनिया की छिछोरी मोहब्बतों को उस मोहब्बत का कतई नाम मत दीजिए जो मोहब्बत अल्लाह के साथ है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है दीन के साथ है हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ है हमारे अपने घर के लोगों के साथ है ये मोहब्बत बहुत ही प्यारी चीज़ है हमें एक दूसरे से महब करना चाहिए एक दूसरे के करीब रहना चाहिए लेकिन ये याद रहे कि दुनिया की तमाम मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बाद हैं फिर से मैं दोहराऊं कोई भी मोहब्बत किसी भी चीज़ से आपको मोहब्बत हो और वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ऊपर चली जाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ऊपर चली जाए फतरबसू तो इंतज़ार करो कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा और फिर उस अज़ाब को आप दूर नहीं कर सकते हैं अल्लाह रबालमीन हम सभी को मोहब्बत का हकीकी माना हकीीकी मफ़ूम समझने की तोफ़ी कतः फरमाए और जो दुनिया में जायज़ महबतें हैं हमें उस जायज़ महबत को करने की तोफ़ी क़त फरमाए और जो गलत तरह की महबतें दुनिया में राइज हैं अल्लाह हमें ऐसी तमाम तर गलत और नाजायज़ महब्बतों से दूर रहने की तोफ़ी कतः फरमाए हमें प्यारे नबी सल्ला वल्म के रास्ते पर आपकी इतबा करने की तोफ़ी क़त फ़रमाए हमें तेरी जात से तेरे नबी सल्ला व्ल्म की ज़ात से जैसा हक है वैसी मोहब्बत करने की तोफ़ी कतः फरमा दुनिया में जब तक ज़िंदा रख इस्लाम اور پر خاتمه خاتمه بالخير وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला